मोदी का इस बैठक की अध्यक्षता करने पर और यहाँ आने पर अभिनंदन। मीडिया के हमारे प्रतिनिधि सभी का इस बैठक में स्वागत करता हूँ। दिशा की ये निर्णय है उनकी समीक्षा के लिए त्रिमाही तौर पे आयोजित की जाती है और इसके लिए माननीय अध्यक्ष। नमस्कार सर। सर, गत बैठक में जो आपने निर्देश दिए थे सर, उनके अनुपालन को जो है वो लगाई गई सर। 40-45% जो है वो हिम केयर योजना में लाभान्वित हुए। देखिए, दो बातें थी, हमने कहा था आयुष्मान भारत जितनों को मिल गया। सर, हमने पिछली बार हमारा 48 शुड बी रेडी एंड ऑपरेशनल इन कपल ऑफ इयर्स टाइम, मे बी 18 मंथ्स टाइम, 20 मंथ्स टाइम। व्हाई कांट इट बी इन पार्ट्स इफ एम्स व्हिच हैज स्टार्टेड इन बिलासपुर, दे आर गोइंग टू डिलीवर समथिंग इन द मंथ ऑफ डिसंबर व्हिच शुड बी ऑपरेशनल। हां, एंड द एंटायर बिल्डिंग विल बी ऑपरेशनल बाय नेक्स्ट ईयर। यस, तो यहाँ पे क्यों नहीं प्लानिंग हो सकती? तो आपको अपनी एजेंसी के साथ टाई अप कीजिए। ओके, 2023 तक तो 23 का 24 होते पता नहीं चलेगा था। आप अगली एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़ जाएँ, डायरेक्टर पीजीए भी जुड़ जाएँ, डॉक्टर साहब भी जुड़ जाएंगे साथ में, आप लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे, मैं दिल्ली में रहूँगा तो दिल्ली से जुड़ जाऊँगा, और कोशिश करके महीने में एक बार तो मैं भी जुड़ूंगा आपकी जो रिव्यू मीटिंग। ये नहीं बनने वाला है, ये सतपाल जी से पूछिए कैसे कैसे मंजूर करवा के इस प्रोजेक्ट को लाया, तो संभव ही नहीं था। और प्रोजेक्ट मंजूर करवाने के बाद जमीन पर आए ना, और मैंने बड़ा साफ कहा कि क्रेडिबिलिटी का इशू आ रहा है कि कंसल्टेंट इसलिए नहीं आपके पास आ रहा, and it should be conveyed to director PGI. It's a very very serious issue. मतलब टोटल 24,524 फैमिली जो है केजी थे, उनमें से हमारी 17,301 फैमिली जो थोड़ा जो फोबिया है वो कम हो रहा है, लोग लोग मित्र केंद्र में आ रहे हैं, हिम केयर के कार्ड जो है उन्होंने बना रखे हैं, तो वो फैमिली भी हम कर रहे हैं उनका। तो उसमें से सर, इसमें जो आयुष्मान कार्ड है इसमें 30 रुपये पर पर्सन जो है इसके लेने होते हैं। हमने ये अपना जो इंचार्ज है उनको बोला है कि अभी बार उनको इसके लिए मोटिवेट करें, क्या चले जाते हैं कि हमें पैसा कराइए उपलब्ध करवाए। मूल कारण वो है कि सबको जितने मैक्सिमम हमारे इसमें सर हिम केयर में तो हमारे 44,138 फैमिली जो है इनरोल हो चुके हैं। कुल फैमिलीज कितनी है उन्होंने काफ़ी करवाई, उन लोगों के लिए हमारा जो 365 रुपये में जिनका बनना है वो अभी जैसे कोविड का थोड़ा कम हुआ है तो सर ये चीज हम बढ़ा सकते हैं। आप इसको 31 दिसंबर टारगेट फाइंड आउट एंड आई डू प्लीज लुक इनटू दिस सीरियसली। इट हैज बीन 2.5 इयर्स, हार्डली एनी प्रोग्रेस हैज बीन मेड। Should be ready and operational in couple of years time, maybe 18 months time, 20 months time. Why can't it be in parts? और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि क्या डॉक्टर्स इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाल पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाले इशू को। आपके पास तो टाइम वैसे नहीं होता, आप सर्जरीज करोगे, वहाँ का इंस्टीट्यूट चलाओगे, नए इंस्टीट्यूट बनाओगे, क्या करोगे? देन वी नीड टू रीलुक एट दैट। तो 2.5 साल में तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होंगे आप सबके ऊपर, आप लोग कैपेबल भी हो कि नहीं हो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है भाई। मुझे बताइए ना, 2.5 साल में हिला क्या है? Sir, you have pointed out and also we have realized that we'll now try to at least do whatever and we'll go, देखिए आप इस मीटिंग के तो मेरे मिनट्स में ये रिकॉर्ड करके भेजिए that I'm not satisfied with the progress so far and the other members are also not satisfied. It raises a question mark on the overall working of the PGI. If the state government has given land and other services was they were supposed to provide,
then why the project is delayed for more than 2 years? And you should prepare a detailed agenda for the next meeting. मुझे लगता है पंजाब की सरकार को किसानों को सच बताना चाहिए कि इससे किसानों को लाभ कितना होने वाला है। राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले कुछ राजनीतिक दल सत्ता में अपनी वापसी करने के लिए जब अपनी उपलब्धियां कोई नहीं है तो केवल इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से किसानों को गुमराह किया जा सके। ना कांग्रेस कर्जे माफ पंजाब में कर पाई, ना दूसरे राज्यों में कर पाई, और अब क्या मुँह लेके वो वापस जाएंगे तो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमने MSP की खरीद COVID-19 की महामारी के समय भी 75,000 करोड़ की और पिछले 6 वर्षों में गेहूं की खरीद 73% ज़्यादा तो धान की खरीद 114% ज़्यादा हुई है। और खरीद केंद्र भी महामारी के समय अनाज के 1.5 गुना बढ़े तो दलहन तिलहन के 3 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। ये अपने आप दिखाता है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। और खरीद के दाम भी बढ़ाए गए, गेहूं और धान के अगर 32 से 40% बढ़े, दलहन तिलहन के 70% तक बढ़े, चना के भी 65% तक दाम बढ़े तो नरेंद्र मोदी की सरकार में बढ़े। अतिक्रमण करने वाले चाइना को, इस सोच रखने वाली चाइना को अगर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय सेना ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है इसी बात की पीड़ा कुछ विपक्षी दलों को प्रमुख तौर पर राहुल गांधी जी को होती है। अगर पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने पुलवामा हमले में जो आरोप लगाते थे आज उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि देश और दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था, लेकिन कुछ कांग्रेसी नहीं मानते थे। जब पाकिस्तान के मंत्री ने स्वयं संसद में माना कि ये इमरान खान की बहुत बड़ी उपलब्धि थी तो इससे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का चेहरा भी बेनकाब हुआ है। और किस तरह से पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं ये भी देश को पता चला है। पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस की सरकारों के समय चीन के आगे इनकी नीति क्या रहती थी ये सब जानते हैं। और जब चाइना अतिक्रमण करने की बात करता था तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ सूप पीने जाते थे, ना कि भारत की पक्ष रखते थे। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और भारतीय सीमा की रक्षा भी की है।